हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं छाया आज मतीज मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। यहाँ मैंने लैक्मे का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। अब मैं यहाँ ब्लू हेवन का प्राइमर ले रही हूँ अपने पोर्स को क्लोज करने के लिए। प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। यहाँ मैंने बेस के लिए फाउंडेशन यूज़ किया है। अपने फेस पे अच्छे से फाउंडेशन को लगा लूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जब भी अपने मेकअप को ब्लेंड करें, हल्की हल्की हाथों से डैब डैब करते हुए ब्लेंड करें। इससे आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा। यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ अपने डार्क सर्कल को कंसील करने के लिए। ये कंसीलर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। ये आप कहीं भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल किसी भी वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करें, इससे आपका मेकअप बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं फिटमे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करी। ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं सिवाना का पैलेट यूज़ करी अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए। एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सेम दूसरे साइड भी अपने फेस को कंटूर कर लूँगी। थोड़े चिन बोन में, फोरहेड पे और अब नोज पे, यहाँ मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने नोज को कंटूर कर लूँगी। कंटूर करने के बाद आपका फेचर बहुत ही शार्प लगता है। आप भी जब भी मेकअप करें तो फेस कंटूर ज़रूर करें। यहाँ मैं अपने ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ मैं अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ मैं सिवाना का पैलेट ले रही हूँ। यहाँ से मैं पिंक कलर का ब्लश पिक करूँगी और अपने चीक पे अच्छे से लगा लूँगी स्माइल करते हुए। अभी जब भी ब्लश लगाए तो स्माइल करते हुए लगा, इससे अच्छे से आपके फेस पे ब्लश लग जाएंगे। इसके बाद मैं लैक्मे का लूज पाउडर यूज़ करी अपने मेकअप को बेक करने के लिए। यहाँ मैं अपने अंडर आइज पे थोड़ी चीक के पास अच्छे से लगा लूँगी। यहाँ मैं मॉर्फिया का आई शेडो पैलेट ली हूँ। यहाँ से मैं लाइट ब्राउन शेड लूँगी और अपने क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्रश के हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड करते जाऊँगी। सेम दूसरी आईज पे वही शेड लूँगी और अपने आईज पे प्लेस करूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। आप भी जब भी अपने मेकअप को करें तो अच्छे से ब्लेंड करें, तभी आपका आई मेकअप खूबसूरत दिखेगा। तो हाँ, जब भी मेकअप करें तो अच्छे से ब्लेंड करें, तभी आपके मेकअप और आपके आई मेकअप खिल के आएंगे। यहाँ से मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और अपने आई लिड पर अच्छे से लगा लूँगी। अब ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड करते जाऊँगी। यहाँ मैंने हैवी मेकअप लुक रखा है क्योंकि तीज है। तीज के दिन तो हर किसी को सजना संवरना हर किसी को पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ हैवी मेकअप रखा है। आप लोग भी इस लुक को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। यहाँ मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और हाँ, आपको लास्ट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कट क्रीज आई मेकअप किया है, इसलिए मैंने यहाँ कंसीलर की हेल्प से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आई मेकअप को कट क्रीज दूँगी। यहाँ मैंने फुल कट क्रीज रखा है। इससे आप भी इस लुक को ज़रूर ट्राई करें, इससे आपकी आंखें बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत दिखाती है। आप लोग भी एक बार कट क्रीज आई मेकअप ज़रूर ट्राई करें। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईज़ को शेप दे रही हूँ। सेम दूसरे आईज़ पे मैं वही करूँगी, कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज दे रही हूँ। फुल कट क्रीज आई मेकअप करूँगी मैं यहाँ। अब मैं सेम पैलेट मॉर्फिया का पैलेट लूँगी। यहाँ से मैं गोल्ड शिमर शेड लूँगी और अपने आई पे अच्छे से प्लेस कर लूँगी। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपको बस प्लेस करना है। आप बस अच्छे से हल्के हाथों से प्लेस कर दीजिए और वो हो गया। और सेम आईज पे मैं वही शेड पिक करूँगी और अपने आईज पे अच्छे से प्लेस कर लूँगी। आप देख सकते हैं मेरा आई मेकअप कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आप इस लुक को ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद मैं यहाँ लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आईलाइनर की हेल्प से मैं एक विंग ड्रॉ कर लूँगी
अच्छे से आराम से टाइम लेकर मैं यहाँ एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि आईलाइनर लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है भाई। मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है आईलाइनर लगाना। किस किस को आईलाइनर लगाना डिफ़िकल्ट लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ मैं लैक्मी का आइकॉनिक मस्करा यूज़ कर रही हूँ, इसके हेल्प से अपने आईलैशेस पर अच्छे से मस्करा लगा लूँगी। ये मस्करा बहुत ही अच्छा है, इसको अप्लाई करने के बाद आपके आईलैशेस बहुत ही लंबे बहुत ही घने दिखते हैं। आप भी जब भी करें तो आप मस्करा ज़रूर लगाएं, इससे आपकी आँखों की आईलैशेस बहुत ही लंबी दिखती है और बहुत ही बड़ी दिखती है। तो आप भी मस्करा ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ मैं काजल ले रही हूँ और अपने वाटर आईलिड पर अच्छे से काजल को अप्लाई कर लूँगी। यहाँ मैं डार्क काजल करूँगी क्योंकि मुझे हेवी आई मेकअप है, इसलिए मैं यहाँ डार्क काजल अप्लाई कर रही हूँ। सेम दूसरी आईज पे मैं यहाँ काजल अप्लाई कर ली हूँ और अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इस यहाँ मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसके बाद मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी, एक आईब्रो पेंसिल की हेल्प से मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी और एक अच्छा सा शेप दे दूँगी। ये डार्क ब्राउन शेड है, इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रो को एक शेप दे रही हूँ और अच्छे से फिल कर लूँगी। दूसरे आईब्रो को भी सेम इसी तरह से मैं फिल कर लूँगी और अच्छा से भी शेप दे दूँगी। भी शेप से आपकी आँखें बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत आपकी आईब्रो दिखती है। तो आप भी जब भी आईब्रो को शेप दे तो भी शेप में देने का ट्राई करें। इसके बाद मैं यहाँ मॉर्फिया का पैलेट ले रही हूँ, जो ऊपर से मैंने जो शेड पिक किया था वही सेम शेड पिक करूँगी और अपने आँखों के नीचे लगा लूँगी। एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्मच कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से सारे लूज पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ और अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी, जो भी थोड़ा ज़्यादा है वो मिक्स हो जाए। यहाँ मैं सिवाना का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर पे अच्छे से लगा लूँगी। सेम दूसरी आईज पे स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं लगा लूँगी। यहाँ मैंने सिल्वर शेड पिक किया है। यहाँ मैं थोड़ा सा अपने आईब्रो के पास और एक ब्रश की हेल्प से अपने चीक बोन के पास अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप भी हाइलाइटर ज़रूर अप्लाई करें, इससे आपके मेकअप बहुत ही ग्लोई और बहुत ही अच्छा दिखता है। इसके बाद मैं यहाँ अपने नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा थोड़े अपने लिप्स के पास, थोड़े चिन के पास, थोड़े फोरहेड के पास। आपको जहाँ जहाँ अप्लाई करना हाइलाइटर आप अपने मन से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ मैंने मार्स का लिप लाइनर यूज़ करी हूँ। यहाँ मैं अपने लिप लाइन को ड्रॉ कर लूँगी अच्छे से। यहाँ मैंने रेड लिपस्टिक ही लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ रेड लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ मैटमी का लिक्विड मैट लिपस्टिक पिक करूँगी और अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही मैट फिनिश देता है। तो अभी लिपस्टिक को ज़रूर ट्राई करें। मैं यहाँ अच्छे से अपने लिपस्टिक को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। And this is my final look. I hope you will like this video. अगर आपको ये look पसंद आए तो comment करके ज़रूर बताओ और आप भी इस look को ज़रूर try करें। और हाँ guys, मेरे video को ज़रूर से ज़रूर like, share and subscribe और bell icon को ज़रूर दबाएं कि जब भी मैं कोई video नई video डालूँ तो आपको notification मिल सके, आप मेरी video को देख सकें। और आप मेरे video को ज़रूर share करें अपने family, अपने friend के साथ, मेरे video को ज़रूर share करें। और आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करो अपने बहन, अपने मम्मी, अपने किसी के साथ। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करो। बाय।